जब मनुष्य अपनी शक्ति को भूला होता है, जो उसके अंदर इनर पावर्स हैं उन्हें भूला होता है, तो अपने आप ही तनाव में आ जाता है। गौर करेंगे कैसे हम अपनी शक्तियों को भूले होते हैं। अपनी शक्तियों को भूले होने का कारण है सबसे पहले उसे भूले होना जिसमें शक्ति होती है। और वो कौन है जिसमें शक्ति होती है? वो है वो इटर्नल एनर्जी, वो नूर, वो प्रकाश, वो सोल, जिसको हम आत्मा कहते हैं। हम जब भूले होते हैं स्वयं को, तो हमें अपनी शक्तियाँ भला कैसे याद आ सकती हैं। देखो, सिंपली कहा जाता है तनाव, मतलब कहते हैं ना, बहुत तनाव रहता है आजकल, सब बहुत ये बात करते हैं। तनाव मतलब तन में आओ, अर्थात स्वयं को जो हम तन समझते हैं, हम वो नहीं समझते जो हम हैं, तो तनाव हो जाता है। क्योंकि तन समझने पर हम कभी भी अपने इनर पावर्स, हमारे मन में छिपी वो अथाह शक्तियों का प्रयोग हम कभी भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम गौर करेंगे कि हम कौन हैं। सबसे पहले इस बात पर आते हैं। आपने देखा होगा, हम जब से जन्मे हैं हम एक बात कई बार कहते हैं, मैं और मेरा। देखिए, अपने आसपास देखिए, हम हर एक चीज को कहते हैं मेरा। मेरा बंगलो, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, सब मेरा मेरा। और करीब आइए तो शरीर के अंगों को भी क्या कहते हैं हम, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा सर, मेरी आंखें, राइट, सब मेरा है। और इन सब से मिलके बनता है मेरा शरीर। फिर हम उस शरीर के लिए हमेशा कहते हैं मेरा शरीर। कहते हैं ना, मेरे शरीर में थोड़ी तकलीफ रहती है, या फिर कहते हैं मेरा शरीर बहुत अच्छा मेरा साथ देता है, या कहते हैं माय बॉडी इज़ वेरी गुड, राइट। यानी बॉडी को मेरा कहते हैं, यानी तन मेरा है, मैं तन नहीं हूँ। फिर भी जब कभी भी आप अपने बारे में सोचते हैं तो सामने बॉडी ही आती है। तो हम स्वयं को क्या समझते हैं अनजाने में, कि मैं ये तन हूँ। एक्चुअल में मैं तन नहीं हूँ, तन के अंदर बैठी वो शक्ति हूँ, और उस शक्ति में अथाह शक्तियाँ हैं। जैसे ही हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, मतलब कि हम एक शक्ति हैं, हमें शक्ति बाहर से नहीं चाहिए, हम स्वयं ही शक्ति हैं। इसलिए आत्मा को शक्ति भी कहा जाता है। लेकिन स्वयं को वो माने तो इसके लिए ही मेडिटेशन करना होता है, इसके लिए हमें रेगुलर अभ्यास करना होता है। रोज़ सवेरे उठ के, सवेरे बिल्कुल जब हम उठते हैं, पहले सेकंड से अपने माइंड की इस तरह प्रोग्रामिंग करनी होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ, मैं सर्व शक्तिमान की संतान हूँ, मेरे मन में अथाह शक्तियाँ हैं। तो आप पाएंगे कि आपकी शक्ति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जैसे फ़ोन की बैटरी चार्ज होती है ना, वैसे मन की बैटरी चार्ज होती जा रही है। देखिए, स्ट्रेस की हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा, साइंस में एक फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, मतलब तनाव इज इक्वल टू दबाव डिवाइडेड बाय शक्ति। अब यहाँ पर देखना होगा कि हमने क्या किया है, खुद से अवेयर न रहकर स्वयं को देह समझने के कारण हमने क्या कर दिया, तनाव इज इक्वल टू दबाव। जितना दबाव बाहर से पड़ता है आज हमारे जीवन में, हम उतने तनाव में जाते हैं। फिर वो डिवाइडेड बाय जो शक्ति थी, उसका क्या काम रहा, कोई काम रहा ही नहीं, क्योंकि हमने स्वयं को देह मान लिया, जबकि हम हैं कौन, आत्मा। तो हमें स्वयं को वो समझना है जो मैं हूँ, आई एम अ बींग, पावरफुल बींग, पॉइंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर फोकस करेंगे उसको, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, पहले इस बात से समझते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है, मानो एक प्रॉब्लम है, सामने छह व्यक्ति खड़े हुए हैं और छह लोगों के जीवन में सेम प्रॉब्लम है, सेम बिल्कुल। हम पूछे उनसे भाई प्रॉब्लम, तो एक कहेगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब मेरा सर एकदम घूम रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक क्या बोलेगा, हाँ प्रॉब्लम है। एक क्या बोलेगा, प्रॉब्लम छोटी है। एक क्या बोलेगा, प्रॉब्लम कहाँ है। और एक बोलेगा, प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों, प्रॉब्लम तो सेम है, लेकिन उनका रिएक्शन उस प्रॉब्लम के प्रति बहुत अलग है। क्यों, क्योंकि उनकी मानसिक शक्ति अलग अलग है, उसकी बैटरी का जो लेवल है मानसिक शक्ति का, वो अलग अलग है। एक का ज़्यादा है, एक का कम है। अगर हम अपनी शक्ति को बढ़ा लें तो हमें तनाव हो ही नहीं सकता है,
क्योंकि प्रॉब्लम से तनाव नहीं होता है, तनाव होता है कि हमने अपनी शक्ति पर काम नहीं किया है। वही प्रॉब्लम इतनी छोटी लगेगी अगर मानसिक शक्ति बढ़ जाए तो, है ना। देखिए, तनाव इज इक्वल टू दबाव डिवाइडेड बाय शक्ति। आज मेरे जीवन में तनाव है 100, बाहर से दबाव पड़ रहा है 100, बराबर कर दिया। लेकिन अगर मुझे इसे शून्य करना है तो मुझे क्या करना होगा, अपनी शक्ति को भी 100 कर देना होगा, डिवाइडेड बाय कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पर मुझे अपनी पावर्स को जगाना है, और पावर्स जागृत होती हैं एफर्मेशंस, जिसको हम स्वयमान कहते हैं, स्वयं को मान देने से। हम देखो कैसे दूसरों से उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमें मान दें, दूसरे में अप्रिशिएट करें। जब दूसरे में मान देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, किसको अच्छा लगता है? मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। सोचिए, दूसरों का मान पाकर मेरा मन प्रसन्न होता है, लेकिन अगर मैं स्वयं अपने मन को मान दूं तो मेरा मन क्या कर देगा, क्योंकि मेरा मन मेरी बात दूसरों से भी ज़्यादा मानता है। देख लीजिए आप, दूसरा व्यक्ति अगर आपसे आके बोल दे कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप क्या कहते हैं? मैं कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। है ये किसने कहा? मन ने कहा और करके भी दिखाया। लेकिन जो आप कहते हैं ना स्वयं, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, असंभव, तो मन गिव अप कर देता है और आप नहीं करते। मन मेरी मानता है। जब कोई आपसे कहता है बहुत अच्छे हैं, अच्छा लगता है, लेकिन आप स्वयं अगर अपने मन से बोले मेरे मन तुम बहुत अच्छे हो, तुम सर्वशक्तियों से भरपूर हो, तो देखिएगा आप, आपका मन मानेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है नहीं मानता है। हम कहते हैं ना कि मेरा मन बहुत अच्छा है, नहीं मुझे तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम पूरे दिन अपने मन से कंप्लेन ही करते रहते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, राइट। मतलब डायरेक्ट नहीं कहते, इनडायरेक्ट वे में नहीं कहते हैं, जैसे कैसे कहते हैं सुनिए। जब हम दूसरों की भी कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे वो ऐसा है, वो ऐसे कपड़े पहनता है, वो ऐसे चलता है, ऐसे बात करता है, तो होता क्या है, इन सब बातों को सबसे पहले मेरा मन सुनता है। जब मेरा मन सुनता है तो मेरा मन सोचता है कि ये मुझसे ही कंप्लेन कर रहा है। जैसे एक पाइप से पानी जब जाता है ना बाहर निकल के, तो उस पाइप को अंदर से भिगोता हुआ जाता है। सेम वे जब कोई भी बात या कोई भी थॉट, वर्ड, एक्शन, कोई भी हमसे जो ये बाहर रेडिएट हो रहा है ना, ये एनर्जी, ये सबसे पहले मेरे मन को भिगोती है। तो इसलिए ध्यान रहे, जो भी हम दूसरों को बोल रहे हैं, अगर अच्छा बोलते हैं दूसरों को या अच्छा सोचते हैं उनके बारे में, तो सबसे पहले हम स्वयं के लिए अच्छा बोल रहे और अच्छा सोच रहे हैं। तो इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। दूसरा, तनाव बढ़ने का कारण है हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी देखिए, अपने आसपास आप ज़रूर देखते होंगे, बहुत लोगों की आदतें हो गई हैं कहते हुए छोटी छोटी बातों के लिए, जितनी टेंशन मुझे है ना इस काम के लिए, इतनी किसी को नहीं है, मुझे बहुत टेंशन है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेंशन शब्द से रिप्लेस कर चुके हैं, ये कहने की बजाय कि जितना रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ शायद कोई और ना हो, इट्स गुड, बट मैं कहता हूँ जितनी टेंशन मुझे है ना इस काम की, इतनी तो किसी और को हो ही नहीं सकती। तो होता क्या है, मैं अपने मन को ये बता देता हूँ अनजाने में कि भाई मुझे ना बहुत टेंशन है, राइट। और मन का एक नियम है कि मन जो भी बात हमसे सुनता है, उसे ये लगता है कि इनको यही बहुत प्रिय है, वो हमारे जीवन में उसी को बढ़ाने में लगा रहता है। हम जब कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं या कुछ भी बोलते हैं, देखो बोलेंगे भी थॉट क्रिएट करने के बाद ही ना, तो जब कोई थॉट क्रिएट करते हैं, मैंने थॉट क्रिएट किया कि मुझे बहुत टेंशन है, तो टेंशन वाली जो लोवेस्ट एनर्जी है मुझसे रेडिएट होती है, बाहर निकलती है, और बाहर देखो अनेक मनों ने ये एनर्जी रेडिएट की हुई है, तो बाहर फैली हुई है ये एनर्जी, उस एनर्जी से कनेक्ट होकर आपकी और खींचती है, और होता क्या है कि आपका मन आपके जीवन में और टेंशन लेकर आता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम किस तरह के शब्द उच्चारते हैं। देखो दूर दूर जाते हैं संत महात्माओं के पास, इसलिए कि हमारे सर पे हाथ रखेंगे, वरदान देंगे, और हम जब वो वरदान देते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि हाँ अभी हो जाएगा, और होता भी है, राइट। क्यों कार्य करते हैं उनके वरदान, जब वो कहते हैं आप सफल हो जाएंगे, आप समृद्ध हो जाएंगे, और हम बड़े खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि महात्मा जी जो संत हैं, उन्होंने इस तरह के वरदानी बोल बोलने का अभ्यास किया हुआ है, वो यही बोल बोलते हैं। हम लोग पूरे दिन कैसा बोलते हैं, जरा चेक कीजिए, चेक कीजिए।
तो वहीं जब एक बार बोलते हैं अपने मन को, मेरे मन तो बहुत अच्छा है, तो मन को वरदान देते हैं, मन मेरी तरफ आश्चर्य से देखता है, इसको क्या हुआ आज वरदान दे रहा है, राइट? तो मन उसे एक बार में स्वीकार नहीं कर पाता। जब बार बार हम मन को वरदान देंगे, बार बार देंगे, वरदान मतलब ये एफर्मेशन जिसको हम कहते हैं, स्वयमान कहते हैं, कि जब देंगे मन कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा ना करें कि कभी मन को वरदान दे रहे हैं, कभी श्रापित कर रहे हैं, तो ऐसे हो जाएगा जैसे ज़मीन में आम का फल डाला, थोड़ी देर बाद आदत से मजबूर होकर आम के बीज को उखाड़ा हुआ नीम का डाल दिया, तो क्या होगा? फिर नीम का उखाड़ेंगे, थोड़े मोटिवेट होने के बाद फिर आम का डालेंगे, तो क्या होगा? फल आएगा ही नहीं कभी भी। तो इसलिए ध्यान रहे कि मुझे निरंतर बैक टू बैक एफर्मेशंस देते रहने हैं, राइट? इनका अभ्यास पूरे दिन करना है। परमात्म महावाक्य उठाइए। अगर आपने राजयोग मेडिटेशन नहीं सीखा है तो सीखिए, क्योंकि यहाँ पर जब राजयोग मेडिटेशन हम सीखते हैं तो होता क्या है, मेरी इनर पावर्स जागती हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें परमात्मा महावाक्य रोज़ पढ़ने को मिलते हैं, जिन्हें हम मॉर्निंग में स्टडी करते हैं, जिससे हमारा मन बहुत सुंदर डिवाइन नॉलेज से भरा रहता है। हमारे मन को डेली बहुत सारे एफर्मेशंस स्वयमान मिलते हैं, स्वयमान, मेरे मन को बहुत मान मिलता है, उस मान के कारण मेरा मन बहुत प्रबल, बहुत शक्तिशाली, समर्थ बन जाता है। सभी मनों को दिन भर वो पवित्रता का, ज्ञान का, शांति का दान देता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमात्मा महावाक्य स्टडी करें। और अगर आपने राजयोग किया हुआ है, फिर तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो परमात्मा महावाक्य पढ़कर ही करना है। भले चाहे शुरू में आप उठते ही उन्हें 10 मिनट ही स्टडी कीजिए, लेकिन कीजिए। क्यों? क्योंकि इस समय पर मेरा मन बच्चा सबसे ज़्यादा भूखा होता है, और जैसे माँ बच्चे को जागते ही दूध पिलाती है, उसी तरह मुझे अपने मन बच्चे को ज्ञान का ये दूध पिलाना है। और देखिए, माँ एक काम करती है, जब बच्चे को दूध पिलाती है ना, सबसे ज़्यादा हेल्दी मिल्क उसको दीजिए, डॉक्टर कहते हैं गाय का दूध दीजिए, तो गाय का दूध उसको पिलाती हैं, राइट? सेम वे, उसी तरह हमें अपने मन बच्चे को पवित्र ज्ञान देना है। अब सोचिए, सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान क्या हो सकता है? आपने बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं दिन भर में, वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या हो सकता है? आप कल्पना कीजिए, आपके हाथ में गीता है, इधर आपके हाथ में न्यूज़पेपर है, तो दोनों में ही नॉलेज, लेकिन बताइए एलिवेटेड नॉलेज कौन सी है, राइट? समझ गए ना? हाँ, सेम वे, सवेरे उठते ही मुझे गीता ज्ञान, अर्थात जो परमात्मा महावाक्य हैं, अपने मन को देने हैं। मेरा मन कैसा बन जाएगा? बहुत शक्तिशाली। सवेरे उठते ही अगर मन को परमात्म ज्ञान का दूध या कहूँ भोजन मिल जाए, तो उसके बाद सोचिए आप, जब मन एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि ज्ञान रूपी भोजन जाते ही ऑटोमेटिकली मन एक्सरसाइज शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं चर्निंग। तो जिस प्रकार हम अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए, उसे शेप में लाने के लिए अच्छा डाइट लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, सेम वे मन को अच्छा शेप देने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, पहले अच्छा भोजन, ज्ञान रूपी भोजन, और फिर देखिए उस पर अगर एक्सरसाइज की जाए तो मन कैसा हो जाएगा। कल्पना कीजिए, जैसे के बारे में सोचते हैं वैसे बनते जाते हैं। अनुभवी हैं हम, जैसे व्यक्ति के बारे में सोचते हो, जैसी सिचुएशन के बारे में सोचते हो, मूड उस वक्त वैसा ही हो जाता है, मन में वो एनर्जी एंटर करना शुरू कर देती है। सोचिए, अगर हम परमात्म महावाक्यों का चिंतन कर रहे हैं, परमात्मा के ज्ञान का चिंतन करते हैं, तो सोचिए हमारा मन कैसा हो जाएगा। जो शिकायतें हैं कि मैं बहुत तनाव में रहता हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन रहती है, कहाँ उड़ जाएगी पता भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए, भारत में चैंटिंग टेक्निक है, जिसमें संत महात्माएं किसी एक हाई एनर्जी वर्ड को लेकर उसे चैंट करते हैं और उससे सिद्धि प्राप्त करते हैं, राइट? सेम वे, अगर सोचिए आप, अगर पॉजिटिव हाई एनर्जी वर्ड को बार बार रिपीट किया जाए तो उसमें सिद्धि मिल जाती है, तो नेगेटिव वर्ड को अगर रिपीट किया जाए तो उसमें भी सिद्धि मिलेगी फिर तो,
सिद्धांत तो फिर यही कह रहा है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे बहुत टेंशन है या मैं काम की बहुत टेंशन ले रहा हूँ, तो टेंशन 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 ये मेरा चैंटिंग वाला वर्ड है, तो मुझे क्या सिद्धि मिली? स्ट्रेस की। ठीक है, फिर मैं स्ट्रेस को बार बार रिपीट करता हूँ, आजकल बड़ा स्ट्रेस है भाई, तो क्या होता है? डिप्रेशन की सिद्धि मिलती है। और जितना मैं कहता हूँ डिप्रेशन है डिप्रेशन डिप्रेशन, तो क्या होता है? अंततः लोग आजकल सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। तो याद रहे, हम जो शब्द बार बार बोलते हैं उससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए कोई भी शब्द मुख से निकालने से पहले थोड़ा सोचें, और सोचेंगे तो ऑटोमेटिक मुख से ऐसे शब्द निकलेंगे ही नहीं। तो हमें सोच समझ कर ये सब कुछ करना है। तो अपनी सोच को शक्तिशाली बनाने के लिए आप जो भी कुछ पूरे दिन करना चाहते हैं, एक बार सवेरे उसे विजुअलाइज कर लें। जैसा भी आप बोलना चाहते हैं, जैसे व्यवहार करना चाहते हैं, या चाहते हैं दूसरों का व्यवहार आपके प्रति वैसा हो, तो सवेरे उसे उस तरह से विजुअलाइज करें। जैसे मानिए आप चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति से आज आपको मिलना है, और आप चाहते हैं कि मैं वहाँ ऐसा बोलूं या हमारी मीटिंग ऐसी हो, लेकिन आपको विश्वास थोड़ा कम है शायद ऐसा नहीं होगी। क्यों नहीं है? क्योंकि माइंड की उस तरह से प्रोग्रामिंग नहीं है। तो सवेरे उठें, थोड़े परमात्म महावाक्यों को स्टडी करें, अपने आप को स्वयमान दें, और स्वयमान देकर ये विजुअलाइज करना शुरू करें कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा प्रेम के सागर हैं, मैं आत्मा भी प्रेम से भरपूर हूँ। अब उस व्यक्ति को सामने लाएं जिससे आपको मिलना है, और देखें आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं बड़े प्रेम से। विजुअलाइज करें, वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हैंडशेक करते हैं, आपकी मीटिंग बहुत अच्छी होती है। आप सवेरे अगर ये विजुअलाइज करते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपसे वो प्योर प्रेम से भरी एनर्जी उस व्यक्ति के पास जाती है, उस आत्मा के पास जाती है, उसके मन में प्रवेश करती है, और ऑटोमेटिक आपका रिलेशन वैसा बनने लगता है। 100% ये चीज़ें कार्य करती हैं, क्योंकि ये सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं, और सिद्धांत कभी गलत नहीं होते, लेकिन हमें उनको अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर हम एक बार अप्लाई करते हैं वो नहीं होती तो हम एकदम छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम उदास हो, जो दुखी हैं वो एक बार दुखी होने से नहीं हुए, दुखी होने का भी लंबे काल का अभ्यास है हमारा। वैसे ही खुश रहने के लिए भी थोड़ा तो अभ्यास करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी खुशी के ऊपर दुख ने डेरा डाल दिया है। तो दुख को हटाने के लिए सुख का थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, सुख का साइज बढ़ाना होगा, तो दुख वहाँ से भाग जाएगा। तो ये कार्य हमें विशेष करना है, सवेरे सवेरे विजुअलाइजेशन, राइट। हम में से अधिकतर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा मन मेरी नहीं सुनता। ठीक है, कहाँ से सुनेगा जब आपने उसकी कभी नहीं सुनी, या उससे बात कभी करते नहीं, उसे अच्छी अच्छी बात सुनाते नहीं। सुनाते हैं तो ऐसी वैसी बातें सुनाते हैं, मन भी कहता है मुझे नहीं सुनना है। किसी व्यक्ति को आप हमेशा उल्टी सुलटी बातें सुनाते रहो तो वो भी कहेगा भैया बस करो, राइट। वैसे ही मन भी बेचारा ही सोचने लग जाता है कि बस करो, अब मैं आपकी नहीं सुनूंगा। तो करना क्या है, हमें अपने मन से अच्छी अच्छी बातें करनी है। आप कहेंगे नहीं नहीं मेरी तो कभी सुनता ही नहीं है। सुनेगा। देखिए, अगर आपको किसी से अपना कार्य कराना हो तो उस व्यक्ति से आप कब मिलेंगे, अपने समय के अनुसार या उसके समय के अनुसार? जवाब यही होगा कि उसके समय के अनुसार, राइट। अगर अपने मन से आपने कार्य कराना है तो अपने मन से कब मिलना चाहिए? उसके समय के अनुसार। हमारा मन किस समय हमारी सबसे ज़्यादा सुनता है? हमारा मन सबसे ज़्यादा हमारी सवेरे, जब हम सोकर उठते हैं, जब आंखें खोलते हैं, उस वक्त हमारा मन बिल्कुल आज्ञाकारी होता है, हमारी हर बात मानता है, सुनता है। आप जो भी बोलेंगे वो सुनेगा, क्योंकि इस समय पर कॉन्शियस माइंड जागा हुआ नहीं रहता, इसलिए थॉट तेज नहीं दौड़ रहे होते हैं। और कॉन्शियस मतलब लॉजिकल माइंड, जो बुद्धि पार्ट है। तो अगर मानो आपकी देह में कोई बीमारी है और आप उसे हील करना चाहते हैं मन की शक्ति के द्वारा, आप सवेरे उठते हैं संकल्प कीजिए कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरा देह संपूर्ण
स्वस्थ है, मुझे संपूर्ण आरोग्य प्राप्त है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्म शक्तियाँ मेरे मन में समाई हुई हैं, मेरे मन से हीलिंग एनर्जी मेरी पूरी बॉडी में फैल रही है, मैं धीरे धीरे हील हो रहा हूँ। सवेरे सवेरे उठ के अभ्यास करके देखिए, आप सामने पानी रख लीजिएगा, ये अभ्यास कीजिएगा, पानी पी लीजिएगा, वाटर भी चार्ज हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक आपको यही थॉट चलते रहेंगे, सवेरे सवेरे करेंगे। और ये करने से क्या बेनिफिट है सवेरे सवेरे, क्यों ये कार्य करता है? क्योंकि लॉजिकल माइंड सुषुप्त है, वो ये नहीं बोलेगा आपसे कहाँ आप तो बीमार हो, क्या बोल रहे हो। लेकिन दिन में बोलोगे तो हो सकता है वो बोल दे कहाँ आप तो बड़े बीमार हो, ऐसी झूठ क्यों बोल रहे हो अपने आप से, क्यों झूठ बोल रहे हो अपने आप से, आप तो बीमार हो। लेकिन सवेरे वो सुषुप्त है, वो बोल ही नहीं पाएगा। तो सवेरे आप इस तरह के एफर्मेशन स्वयं को दे सकते हैं, या आप 5 एफर्मेशन का अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, अपने आप को देखें मस्तक के बीच, मैं बहुत तेज हूँ, मैं यहाँ पर देखेंगे मुझसे लाल प्रकाश निकल रहा है, लाल किरणें मेरी पूरी देह में फैल रही है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। विजुअलाइज करें, अगर इसी क्षण आप संपूर्ण स्वस्थ हो जाएं तो कैसे होंगे, विजुअलाइज इट। मैं तकदीरवान भाग्यवान हूँ। बॉडी के उन पार्ट्स के बारे में सोचें जो स्वस्थ हैं, जैसे आंखें, दुनिया में बहुत लोग जिनको आंखें हैं ही नहीं, विजुअलाइज इट एंड अपने आप से कहें मैं तकदीरवान हूँ, संपूर्ण प्रकृति और परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ। अब कहें मैं आरोग्यवान हूँ, मुझे संपूर्ण आरोग्य प्राप्त है। विजुअलाइज करें जैसे देवी देवताओं की कंचन काया होती है वैसे। फिर देखें मैं संतुष्ट हूं, संतुष्ट मणि हूं, आई एम कंटेंटेड सोल। राइट, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के अभ्यास हमें करते चाहिए। तो निश्चित तौर पर जैसे आज हम बात कर रहे थे तनाव के बारे में, तो हम उससे मुक्त रह सकते हैं, पहली चीज़ थॉट, दूसरे बोल और एक्शन में। कहीं भी हमें स्वयं को देह भान में होकर नहीं कुछ भी करना है, स्वयं को वो समझना जो मैं हूँ। जितनी देर भी समझेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे उस तरह से, तो देखिए जीवन बड़ा सहज हो जाएगा।